रवीश कुमार कह रहे हैं जनता को आजादी मिल गई है, पावर की जरूरत है। रवीश कुमार को पब्लिक प्लेस पर जाएगा इस घटना कर। एक 70 साल की महिला अच्छी थी बुरी थी, आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, आप उसके अंडर गारमेंट लहराते हो और भीड़ जो है ठाके लगाती है। ऐसे लोग जानवर हैं नहीं है, वो जानवर हैं, राक्षस हैं, उनको जरूरत है। और हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी इशारा करें, हम हिंदुओं को हिंदू कम से कम दे, हम अंदर घुस के जैसे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विषय का ये सब दोगले लोग हैं। सुनिए मैं क्यों नहीं, बिल्कुल सही, आप कुछ नहीं जानते हैं। इंदिरा जी जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं पता, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं इंदिरा जी ने लाखों के 56 इंसास राइफल्स दिया उस समय, कई सारे अमेरिकन रिपोर्ट ये सब में है और भारत के लोग भी मानते हैं, तमिल हिंदुओं को दिया वहाँ। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, ये बताइए आज जो सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, लगता है हमारे देश के हालात भी बांग्लादेश। पहली बात सुनिए, ये जिसने सबने नहीं बोला है, कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है और उसका जवाब दिया जाएगा। 2009 में भागने की जरूरत थी, तब जो है UPA सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने आर्मी भेजा वहाँ पर चारों तरफ और जो है दबाव डाला गया बांग्लादेशी सरकार पर कि आप होश में रहिए, औकात में रहिए, और तब जाकर के हसीना वहाँ पे सुरक्षित हो पाई। दूसरी बात, तमिल हिंदुओं की अगर किसी ने इज्जत बचाई के साथ बनाई, कई तरह के मिसाइल दिए गए, तब जाकर के तमिल हिंदुओं ने वहाँ श्रीलंकाई सरकार को परास्त किया, उनको हरा दिया, ये हमारे इंदिरा जी ने किया। तो इस मामले में दोनों सरकार ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये जो है वो उसको है, उसको बहुत लगेगा। अगर हम सब लोग एक हैं, हम 80-90% आबादी जो इस देश के एक हैं कि इस देश में हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी जातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी धर्म के लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर ये बात कहेगा कि मोदी को ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी इस मैटर पर मोदी के खिलाफ नहीं है, अंदरूनी मुद्दा जो दूसरा होगा उसके ऊपर खिलाफ हो सकता है, कोई खुश होगा कोई नाराज होगा, लेकिन अगर ये कहेगा कि ये बांग्लादेश में ऐसा हो गया, बांग्लादेश ने हमारे हिंदुओं को क्यों वो हमारे हिंदुओं को क्यों है, आप सलमान खुर्शीद को उस पर जवाब देना होगा ना कि तुम हो क्या, इसीलिए ये बात नहीं बोल रहे हो, अगर बोल रहे हो तो तुम्हें पड़ेंगे फिर। ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की नीति है ना वो और देशों से अलग है। क्यों है अलग, आपको बताऊँ, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी बात ना है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे, उनको देना भी पड़ेगा, इस्तीफा दे देंगे कोई बात नहीं है, कोई दूसरा विपक्ष का या किसी भी पार्टी का और कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा पहले हुआ है हमारे यहाँ, हमारे बांग्लादेश जैसे हालात सुनो, हमारे देश में ऐसा होता चला आ रहा है, हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री भाग के नहीं गया। देश पे बात कीजिए, हिंदुओं पे बात कीजिए ना, आप कहाँ आप ये हो रहा है, कभी कोई इस्तीफे की बात नहीं है, जब तक बांग्लादेश का मुद्दा है ये कोई इस्तीफा कोई बात नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं कुछ नहीं, अभी सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, सब लोग साथ हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वीर जी आज संसद में मोदी सरकार के द्वारा वक्फबोर्ड अधिनियम पेश किया गया जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध में उतरी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि वक्फबोर्ड तो निभाना है, जमीन हथियाने का काम कर रही है मोदी सरकार, क्या कहेंगे? तो जमीन हथियाने का तो कौन सा जमीन, मोदी जी अपने नाम से थोड़े लिखवा लेंगे, जमीन ले लेंगे तो उसपे, कहते हैं ना अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं हॉस्पिटल चाहिए, तो जमीन लेके हॉस्पिटल बनवाएंगे, ठीक ना, कहते हैं कि मंदिर नहीं स्कूल चाहिए तो वक्फ बोर्ड की जमीन लेके स्कूल बनवाएंगे, है ना। जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, तो इसमें तो हमारे भाइयों को सहयोग करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि सेना और रेल के बाद तीसरे नंबर पे जमीन सबसे ज्यादा वक्फ के पास है, वह वक्फ है क्या, शत्रु संपत्ति है, जो यहाँ से भाग छोड़ के जो पाकिस्तान मांग रहे थे वह लोग जब यहाँ से गए तो वह जमीन जो बची थी वह क्या किए, जवाहरलाल नेहरू ने को वक्फ के नाम पे दे दिए, है वह शत्रु संपत्ति, जो हिंदू वहाँ से आए वह वहाँ के को दे दिया, हिंदुओं को दे दिया गया, यहाँ जो छोड़ के पाकिस्तान गए वह को दे दिया गया, क्यों भाई, ठीक है ठीक है सरकार को रखना चाहिए, सरकार अपने पास रख ले, वक्त वही है। अब एक और चीज़ है, हमारा देश संविधान से चलता है ना,
तो वक्फ तो एक संस्था है, संस्था, ठीक ना। तो इस देश में जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को धर्म के नाम पे अपनी कोई संस्था, अपना कोई व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है, तो यह वक्फ के नाम पे क्यों, और है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों क्यों नहीं, सिर्फ क्यों। और तीसरा कि अगर मान लीजिए कि इनकी संपत्ति है, वक्फ का व्यक्ति जाके जो जो नामित होता है वह इनकी संपत्ति को कह दे कि नहीं यह वक्फ है, तो उस पर ना हम कोर्ट जा सकते हैं, ना पुलिस के पास जा सकते हैं, ना कोई मुकदमा कर सकते हैं। ये कौन सा नियम है भाई? तो फिर इस संविधान का मतलब क्या रहा? तो 1400 साल पहले एक मंदिर है तमिलनाडु में, एक गांव है, उस गांव में गांव को ही वक्फ घोषित कर दिया गया। तो मंदिर पता चला तो 14 साल से नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले से मंदिर है वहां। ये कौन सा नियम है भाई? दिक्कत तो वहां उसी नियमों को आज संसद के सारे लोग बैठ के संसद में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे संविधान के अनुसार टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर जो हमारा संविधान कहता है, टू द पीपुल फॉर, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है, उसी के द्वारा संविधानिक तरीके से वक्फ में कुछ चेंजेज लाए जा रहे हैं कि यह धर्म के आधार पर कोई व्यवस्था ना बने बल्कि सबके लिए हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोग उसमें हों, और वक्फ का कोई मालिक ना हो बल्कि एक जिले का डीएम हो, वह सर्वे करे, डीएम सर्वे करेगा, वह किसी का नहीं हो। तो अखिलेश यादव के पेट में भाई उनको वोट चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि ये जो अधिनियम है ये यानी उसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये जो अधिनियम सरकार लेकर आई है इससे वो देश या हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम नहीं कर रही बल्कि बांटने का काम कर रही है सरकार। अच्छा, तो वही तो कह रहा हूँ, किस तरह से बांट रही है? उनके लिए भाई सबके लिए बन रहा है ना भाई। अगर स्कूल बनेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के बच्चे पढ़ेंगे, अगर हॉस्पिटल बनेगा तो किसी कौम का उसमें इलाज तो होगा नहीं, अगर कोई फैक्ट्री बना दिया जाए तो उसमें एक जाति के लोग तो करेंगे नहीं भैया। यही अब हमारे देश में जमीन कम है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार कह रही है कि हम आपको ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। उसमें जो सर्वे किया जाएगा, जो जिस लायक ज़मीन होगा, जैसे मान लीजिए कि कहीं मस्जिद बना हुआ है उसको छोड़ दिया जाएगा, कहीं कब्रिस्तान बना हुआ है उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो ज़मीन, और उससे सर्वे में यह है कि कोई, जैसे मान लीजिए कि 1947 से पहले वह जमीन, कल जैसे कल मध्य प्रदेश के एक जज ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहस चल रहा था तो उसमें वकील साहब यह पूछ रहे थे, लगातार वकील साहब पूछ रहे, नियम का हवाला, वही वक्फ बोर्ड के एक्ट का हवाला दे रहे थे, तो वह पूछो एक बात बताइए, यह 1958 का जो एक्ट है, 1944 का, तो इसके पहले यह ज़मीन किसकी थी? वह उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वक्फ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जब वक्फ में आया कोई ज़मीन उसके पहले किसी का होगा ना भाई, उसके पहले कौन था, किसका था, और उसका था तो कैसे था, यह प्रश्न जज साहब पूछ रहे थे। तो वह सिर्फ कानून का कि नहीं, एक बार जो वक्फ में रजिस्टर्ड हो गया वह वक्फ का हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। तो जज साहब ने यह कहा कि इस तरह से तो लाल किला दे दो, है ना, ये संसद दे दो वक्फ का, कुछ भी वक्फ का हो जाए, ये जहाँ खड़ी है वह भी हो जाएगा, यह भी वक्फ का हो जाएगा, आपका कैमरा वक्फ का हो जाएगा, पूरा ये जितने लोग खड़े हैं सबके वक्फ हो जाएंगे, सब लोग इस तरह से कह दिया जाएगा, कल कह दिया जाएगा कि पूरा एक मिनट, कल कह दिया जाएगा पूरा भारत वक्फ का है, बात खत्म, बन जाइए सारे लोग, यही है वक्फ, बना दीजिए सबको।